सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। तो मैं बात करने वाला हूँ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे टिकटॉक इंस्टाग्राम के फोटोशॉप कार्टून्स। तो उस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान ने एक बंदे का टिकटॉक वीडियो यूज किया था। वैसे तो ट्रिगर्ड इंसान ने और भी बहुत सारे लोगों का टिकटॉक वीडियो यूज किया था उस वीडियो में, लेकिन एक बंदा है जिसका नाम तारिक खान करके है। तो तारिक खान ने जो है ट्रिगर्ड इंसान को कॉपीराइट स्ट्राइक देके वो वीडियो रिमूव करवा दिया, बस इसीलिए क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान ने उस बंदे का टिकटॉक वीडियो यूज किया था। तो इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे ट्रिगर्ड इंसान, एंड इसी से रिलेटेड वो कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम में। तो आप भी देखिए ट्रिगर्ड इंसान क्या कहे। तो गाइज, मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करने लगा था एंड इतने में मेरे को यूट्यूब से एक ईमेल आता है दैट आई हैव रिसीव्ड अ कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम दिस गाय, जिसको मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ एट खान तारिक ऑफिशियल योर स्मार्ट मेकर। इसकी जो मैंने लास्ट फोटोशॉप वाली वीडियो बनाई थी उसमें एक टिकटॉक वीडियो यूज करी थी फॉर अ रिएक्शन पर्पस, उस पर मैंने दिखाने के लिए कि ये जो फोटोशॉप वगैरह वाले हैं इनको सिखाने के लिए भी फोटोशॉप वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं टिकटॉक पे। ठीक है, अगर इस बंदे को उस बात से दिक्कत थी ये मेरे को मैसेज कर सकता था डायरेक्ट, जो कि इसने नहीं करा, सीधा स्ट्राइक मार दिया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि टिकटॉक वीडियोस यूज करने पे कब से स्ट्राइक पड़ने लग गई है यूट्यूब चैनल पे। अगर इस बंदे को कोई प्रॉब्लम थी तो ही कुड हैव कॉन्टेक्टेड मी डायरेक्टली। यूट्यूब ने यार वो वीडियो बना रहा है तो हम वीडियो नहीं बना रहे क्या? हम भी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। अगर यार किसी पार्ट से दिक्कत है तो डायरेक्ट मैसेज करके भी बोला जा सकता है कि यार मुझे ये वाला पार्ट पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है मेरे को पहले कभी किसी ने ईमेल या मैसेज करके नहीं बोला कि मेरे को तुम्हारी वीडियो में ये वाला, लेकिन एक टिकटॉक वीडियो यूज करने पे अगर मेरे को स्ट्राइक पड़ रही है, किस्मत ही झंडा है। मतलब प्लीज यूट्यूब लुक इनटू दिस, पार्ट नहीं पसंद आया तो इसको हटा दो। मैंने हटा दिया तो तू भी वो मैसेज करके बोल देता तो मैं हटा देता, लेकिन नहीं, हमें स्ट्राइक मारेंगे। हम सेम कम्युनिटी में बैठे हैं, सेम यूट्यूब फैमिली में है, लेकिन नहीं, हमें स्ट्राइक मारने में मजा आता है तो हम स्ट्राइक मारेंगे। वाह यार। तो अपेरेंटली दिस गाय इज पोस्टिंग स्टोरीज के आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई मुझको भी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर मेरे, 1.9 मिलियन और दूसरे चैनल पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। ऐसे ही नहीं होते भाई, मेहनत हमने भी करी है, ठीक है। और बिना बात के स्ट्राइक्स जो पड़ती है ना, ये पहली बार नहीं हुआ कि मेरे को बिना बात के स्ट्राइक पड़ी है, लेकिन एक टिकटॉक वीडियो यूज करने की वजह से स्ट्राइक पड़ना, हाँ ये शायद पहली बार होगा, ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार होगा। एंड मैंने अभी भी इस बंदे को मैं मैसेज कर करके बहुत ही प्यार से इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू स्ट्राइक वापस ले ले, आई विल रिमूव द पार्ट जिसमें तेरे बारे में मैंने जो भी बोला था, अगर तेरे को लगता है कि वो गलत था। वो बंदा मेरे को रिप्लाई करने की जगह डायरेक्ट स्टोरीज डाल रहा है अपने इंस्टाग्राम पे। लाइक या मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि मैं रो या हंसू, करूं मैं क्या, कहूं मैं क्या करूं। देखो यार, जोक था कि दो डंडों के बीच में फोटो खिंचवाने से आप तो सिर्फ, तो वो मैं गाली देने के सेंस में नहीं बोल रहा था, बट आई थिंक इट वेंट आउट रॉन्ग, तो आई एम सॉरी, मेरी गलती, अगर उसकी वजह से आप कोई भी ऑफेंड हुआ। इतना कुछ होने के बाद ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम में कुछ और स्टोरी शेयर की है, जिसमें कि वो बताए कि उन दोनों का बात हो चुका है, एंड वो जो बंदा था जिसने ट्रिगर्ड इंसान को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था वो अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने को रेडी हो गया। तो आप भी देखिए ट्रिगर्ड इंसान क्या कहे। ओके, तो बातचीत करके आई गेस बहुत चीजों का हल हो जाता है, एंड इसका भी हो गया, स्ट्राइक हट गई है। एंड थैंक यू गाइस जिन्होंने भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज करे, तुम लोग यार बेस्ट हो कसम से। एंड हाँ, अभी ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो भी वापस आ चुका है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एंड साथ ही साथ ट्रिगर्ड इंसान के सेकंड चैनल लाइव इंसान में भी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं कल, एंड इसी को रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, यू गाइज आर लव, आई कैंट एक्सप्रेस हाउ ब्लेस्ड आई फील टू हैव ए फैमिली ऑफ 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन, बट इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, जो प्यार तुम देते हो ना जब कुछ गलत होता है, वो सपोर्ट वो मोटिवेशन, इट्स जस्ट अनरियल, आई लव यू 3000 टाइम्स। एंड हाँ, अब 1 मिलियन की खुशी में कुछ स्पेशल करेंगे, पता नहीं क्या पर करेंगे। सो लेट्स सी ट्रिगर्ड इंसान 1 मिलियन होने की खुशी में ऐसा क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना भी अपने नए वीडियो का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, आज शाम 7:30 बजे नई वीडियो, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना आज, बाद का कोई चक्कर नहीं चाहिए, 7:30 बजे परिवार समेत यूट्यूब पर, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सो या आज शाम 7:30 बजे अमित भड़ाना अपना नया वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। सो लेट्स सी उनका नया वीडियो कैसा होता है।
तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव का जो है इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, तो इसी के खुशी में एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज शेयर किए थे। तो आप भी देखिए एल्विश यादव क्या पोस्ट किए थे। और बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे ब्लू टिक लग गया भाई, तेरा भाई सेलिब्रिटी बन चुका है यार। भाई तू इमोशनल क्यों हो रहा है भाई, रो मत यार। पार्टी मेरी साइड से ब्रो, एक बर्गर और एक चाउमीन। एंड ऑल्सो एल्विश यादव अपने नए वीडियो के ऊपर अपडेट देते हुए ये पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस डेट डिसाइड करनी है कि कब डालू, ये आप ही बता दो। तो मतलब इसे देखकर लगता है कि एल्विश यादव भी बहुत जल्द अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। सो लेट्स सी उनका नया वीडियो वो कब तक अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मोस्टली सेन के बारे में। तो मोस्टली सेन कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट की थी, टेकिंग दिस फ्रेंड अलोंग ऑल डे टुडे कॉज एक्सट्रीमली एक्साइट इज हैपनिंग। तो इसे देखकर लग रहा है कि मोस्टली सेन भी ब्लॉगिंग कर रही थी, एंड जैसे कि वो बताए कि समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग। सो लेट्स सी हमें उनका ये एक्साइटिंग वीडियो कब तक देखने को मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ राउंड टू हेल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि Round2hell के भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसी के बारे में बताते हुए Round2hell अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, हेडिंग टुवर्ड्स 10 मिलियन, सम बिग प्रोजेक्ट्स आर ऑन दी वे। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि उनका बिग प्रोजेक्ट्स क्या हो सकता है, क्या वो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ टीम 07 के बारे में। तो लगता है टीम 07 का बहुत ही जल्द एक नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है, जिसके शूटिंग के लिए वो लोग अभी दुबई गए हुए हैं। एंड इसी से रिलेटेड अदनान 07 अपने इंस्टाग्राम में ये पिक शेयर किए थे, एंड नीचे कैप्शन में लिखे #, नजर ना लग जाए और अपकमिंग न्यू म्यूजिक वीडियो, हु इज एक्साइटेड, ड्रॉप योर कमेंट्स। एंड साथ ही साथ मिस्टर फेजू भी अपने इंस्टाग्राम में ये पिक शेयर किए थे, एंड नीचे कैप्शन में लिखे बहुत ही दिल से आपके लिए लेके आ रहे हैं, नजर ना लग जाए, यू गाइज विल लव इट, कमिंग वेरी सून, स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स सी टीम 07 का नया म्यूजिक वीडियो कब तक रिलीज होता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।